हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। तो हम लोग आज यहां पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहां पे पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि ऑलरेडी हमने कल भी पढ़ा था, है ना। और कल हमने स्विच गियर पार्ट स्टार्ट किया था, और स्विच गियर पार्ट वाले में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, स्विच गियर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था रिले के बारे में, ठीक है ना। तो आज भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन दीजिए सभी लोग। अ वेरी गुड इवनिंग कल्पना, क्षितिज, रवि, राहुल, कल्पेश, रमेश। अ वेरी गुड इवनिंग विद्युत प्रावा, असित, रोशनी, हर्षित, सभी लोग एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म करें। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? क्या सभी लोग मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? कंफर्मेशन दीजिए, जिसके बाद हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर सके। चलिए, बहुत बढ़िया, सब कुछ क्लियर है। हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। अ वेरी गुड इवनिंग पंकज, अ वेरी गुड इवनिंग प्रीति। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाओ सभी लोग, स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखो, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे क्लास का आज का, वो हम स्टार्ट करते हैं कौन से पार्ट से, वो हम देखते हैं कि हमारा जो पूरा ऑपरेशन होगा स्विच गियर का, जिसको हम बोलते हैं एक ट्रिप सर्किट, तो वो कैसे काम करता है, एक बेसिक ट्रिप सर्किट कैसे काम करता है, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, कौन सी प्रोसेस पहले होगी, कौन सी प्रोसेस बाद में होगी, वो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो सबसे पहले हम वही चीज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करो, बेसिक ट्रिप सर्किट ऑपरेशन, या फिर बेसिक ट्रिप सर्किट। आप हेडिंग पुट करिए यहाँ पे, बेसिक ट्रिप सर्किट। सभी लोग हेडिंग पुट करेंगे यहाँ पे। बेसिक ट्रिप सर्किट हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो होता क्या है प्रॉपरली, आप सभी लोग समझिएगा। समझ लो मेरे पास यहां पे बस बार है, दिस इज माय बस बार। कल मैंने आपको बस बार का मीनिंग बताया था कि बस बार को आप क्या समझोगे, जो कल एग्जाम्पल था ना कि पांच लोग हैं, पांच लोग जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कहीं पे जमा कर रहे हैं, वही है मेरा बस बार। ओके, सो दिस इज माय बस बार। और बस बार से मेरे पास यहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम कनेक्ट होगा, ठीक है। तो देखना, ऐसा कुछ यहाँ पे मेरे पास सिस्टम कनेक्ट होगा, मैं बना के दिखा देता हूँ, या फिर मैं कोई लोड लेता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास कोई लोड है, थोड़ा और नीचे ले आता हूँ मैं, एंड दिस इज माय लोड। अब होता क्या है, होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास यहां कहीं पे फॉल्ट आएगा, ठीक है ना। मान लीजिए मेरे पास फॉल्ट यहां पे आया, यहां कहीं पे लोड के थोड़ी देर पहले मेरे पास क्या है, यहां पे फॉल्ट आया, ठीक है। मेरे पास लोड के थोड़ी देर पहले फॉल्ट आया, और मुझे क्या करना है, इस फॉल्ट को अलग करना है लोड से, वो हमारा टास्क है। तो वो हम कैसे करेंगे, वो चीज देखना। एक मिनट का मैं देख लूं क्या मैसेज आया है, एक बैंक का मैसेज आना है, वो देख रहा हूं मैं, बैंक का मैसेज नहीं है। चलो, ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे प्रॉपरली, आप सभी लोग देखना। तो हमारे पास यहाँ पे होता है एक, सबसे पहले होता है रिले, और रिले को ऑपरेट करने के पहले हमारे पास होता है यहाँ पे सीटी। सीटी मतलब पता होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर। तो हमारे पास होता है एक यहाँ पे क्या, करंट ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ पे मैं बना दिया कई, दिस इज माई करंट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। करंट ट्रांसफॉर्मर आपका किससे कनेक्टेड है, यहाँ पे ये जो बस बार से जो लाइन आई है उससे हमारा ये कनेक्टेड है, ठीक है। और ये सर जो आपका ये सीटी है, करंट ट्रांसफॉर्मर है, वो किससे जाए कनेक्ट हो जाता है, दिस विल बी कनेक्टेड टू रिले ऑपरेटिंग कॉइल, ठीक है। ये आपका किससे कनेक्ट हो जाएगा, रिले ऑपरेटिंग कॉइल से ये कनेक्ट हो जाता है। मैं बना के दिखा देता हूं,
यहां पे मेरे पास है एक रिले ऑपरेटिंग पॉइंट, ठीक है, ये मेरे पास यहां पे क्या, दिस इज माय रिले ऑपरेटिंग पॉइंट, ये मेरे पास क्या है, मिलता जाता हूं यहां पे करंट ट्रांसफॉर्म, इसकी वर्किंग मैं बताऊंगा प्रॉपरली ना, आप देखते जाइए, करंट ट्रांसफॉर्मर है सीटी को बोलते हैं, और ये मेरे पास यहां पे क्या है, दिस इज माय रिले ऑपरेटिंग कॉइल, या फिर रिले कॉइल कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, दिस इज माय रिले कॉइल, ठीक है। और इसी में यहां पे मेरे पास होता है सर्किट ब्रेकर, मतलब अभी तो मान लो यहां पे कनेक्टेड है, जब इसको हम अलग करना हो तो ये थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, एक स्टेप पीछे हो जाएगा ऐसे, है ना, तो जो सर्किट ब्रेकर का जो सिस्टम होता है वो ऐसा ही होता है ना, तो अभी क्या ये कनेक्टेड है तो मतलब यहां पे जुड़ा रहेगा, ठीक है, लेकिन जब ब्रेक होगा तो पीछे आ जाएगा ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये सर्किट ब्रेकर, वो कैसे कनेक्टेड होगा वो भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी मेरे पास एक कॉइल होती है, इसको मैं बोलता हूँ कौन सी कॉइल, दिस इज माय ट्रिप कॉइल, मैं बना देता हूँ, देखना आप सभी लोग, मैं बना देता हूँ, देखना आप सभी लोग, मेरे पास यहाँ पे भी एक कॉइल होती है, इसका नाम यहाँ पे क्या है, ट्रिप कॉइल, देखना किस टाइप की होती है कॉइल, मैं बना के दिखाता हूँ प्रॉपरली, सारा बहुत अच्छे से बना रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने बनाया रिले कॉइल, एक बनाई मैंने यहाँ पे ट्रिप कॉइल, ठीक है, ओके। और ट्रिप कॉइल को मैंने यहाँ पे सर्किट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ डायग्राम में, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा कुछ मैकेनिज्म होगा, मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा कुछ मैकेनिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा, किस टाइप का मैकेनिज्म, देखना इस टाइप से, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे बनाया था वैसे एक मैकेनिज्म को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको मैं बनाता हूँ कौन से कलर से, ब्लू पेन से, ब्लू से नहीं बनाऊंगा मैं इसको, बनाता हूँ रेड से नहीं बनाता, ग्रीन से बना देता हूँ, ठीक है, तो देखना थोड़ा थिक बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में भी आए, ये ऐसा, ठीक है, मतलब इसके अंदर से हमारी ये वायर गई हुई है, जिसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं यहाँ पे कौन सा कॉन्टेक्ट, दैट इज माई रिले कॉन्टेक्ट। मैं इसकी प्रॉपर वर्किंग आपको यहाँ बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे मेरा सर्किट यहाँ पे काम करेगा, दिस इज माय रिले कॉन्टेक्ट, इसको बोलता हूँ रिले कॉन्टेक्ट इसको। अब यहाँ पे आप सभी लोग प्रॉपरली समझिएगा होता क्या है यहाँ पे, ठीक है ना, आप सभी लोग यहाँ पे प्रॉपरली समझिएगा कि देखो यहाँ पे मेरे पास लोड है, ये मेरा बस बार का इन्फोनाइट पावर है, बस बार का एक इन्फोनाइट पावर है, बहुत ज्यादा पावर है, उससे हमने अपने लोड को यहाँ पे कनेक्ट किया, और बहुत ही कॉस्टली लोड है, बहुत महंगा लोड है मेरा, है ना, बहुत महंगा लोड मेरे पास यहाँ पे है, और इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले तो ये जो पार्ट है यहाँ पे कनेक्ट होगा, मतलब करंट आपका यहाँ से आराम से लोड तक जाएगा, लोड आराम से हमारा काम करेगा। लेकिन जब कभी भी फॉल्ट आता है, जब कभी भी क्या आता है, फॉल्ट आता है, तो हमारा करंट ट्रांसफॉर्मर, जो करंट ट्रांसफॉर्मर है वो उस करंट को क्या करेगा, सेंस करके रिले को देगा। यहाँ पे एक रिले ऑपरेटिंग कॉइल है, रिले कॉइल है, तो जब यहाँ पे ये सेंस करेगा प्रॉपरली, आप बहुत अच्छे समझना, जब करंट ट्रांसफॉर्म, मान लो यहाँ पे करंट कितनी है 50 एम्पीयर, मान लो 500 एम्पीयर है, एग्जाम्पल है 500 एम्पीयर, तो करंट ट्रांसफॉर्मर काम क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर का काम होता है उसको स्टेप डाउन करना, तो उस 500 एम्पीयर कितने कन्वर्ट करेगा, 5 एम्पीयर में या 1 एम्पीयर में, समझ में आया क्या बोला मैंने, तो इसमें अगर 500 एम्पीयर करंट है उसको उसमें कन्वर्ट कर देगा, 5 एम्पीयर में करंट कन्वर्ट कर देगा। तो मान लो यहाँ पे इसमें लोड में जो रेटेड करंट है, मतलब इस लोड को ऑपरेट करने के लिए कितनी करंट लगती है, मैं एग्जांपल लेता हूँ 500 एम्पीयर, एक एग्जांपल, जस्ट एन एग्जांपल, है ना, एजम्पशन ये मेरा, यहाँ पे इस लोड को ऑपरेट करने के लिए 500 एम्पीयर करंट की रिक्वायरमेंट है, मतलब इस लाइन से 500 एम्पीयर करंट जाएगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो तो लोड ही डिमांड कर। तो देखो जब 500 एम्पीयर यहां से करंट जाएगी तो सीटी को जब 500 एम्पीयर करंट मिलेगी तो सीटी क्या करेगा, उस 500 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, 5 एम्पीयर में। और जब 5 एम्पीयर यहां पे करंट जाएगा तो यहां पे जब कॉइल से होके जाएगा तो यहां पे एक फोर्स जनरेट होगा, और वो फोर्स क्या करेगा, इसको यहां पे खींचेगा,
है ना, ये फोर्स जो यहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो ये सर्किट हो जाएगा क्लोज, और जब सर्किट हो जाएगा क्लोज तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लग जाएगी, और जब करंट फ्लो होने लग जाएगी तो इसमें भी एक आपका फोर्स जनरेट होगा जो कि इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये यहाँ पे पीछे की तरफ आ जाएगा। लेकिन ये गलत हुआ। गलत क्यों हुआ? गलत इस वजह से हुआ भाई क्योंकि सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट नहीं होना था। क्यों नहीं होना था? होना इसलिए नहीं था कि 500 एम्पीयर तो सेफ करंट है, तो हमको क्या करना पड़ता है? देखो अब मान लो ये तो मैंने 500 एम्पीयर के लिए बताया जो कि नहीं होना चाहिए था। अब यहाँ पे होगा क्या? मान लो यहाँ पे 600 एम्पीयर करंट आ गई जो कि एक फॉल्ट करंट है। क्या यहाँ पे फॉल्टेड करंट है? ज्यादा करंट है जो कि लोड को डैमेज कर सकता है। तो सीटी क्या करेगा, इस 600 को कन्वर्ट करेगा 6 एम्पीयर में, और जब 6 एम्पीयर में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा, वो फोर्स इस रिले कॉन्टेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, जब अट्रैक्ट हो तो नीचे आएगा ये, तो इससे क्लोज कॉन्टेक्ट बना लेगा, और जब कॉन्टेक्ट बनाए तो यहाँ पे क्लोज सर्किट बन जाएगा, और जब क्लोज सर्किट बन जाएगा तो ये भी इसमें भी आपका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड इसको भी आप अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे सर्किट आपका ब्रेक हो जाएगा। मतलब जो सेकंड वाले केस में हम चाह रहे हैं वैसा होना चाहिए, वैसा हो भी होगा भी, लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि जब इसमें रेटेड करंट जा रही है तब भी वो आपका ट्रिप हो जा रहा है जो कि हमको बचाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि जब यहाँ पे 500 एम्पीयर करंट गई तो इसमें 5 एम्पीयर करंट गई, इसने फोर्स जनरेट किया, जब इसने फोर्स जनरेट किया, जब इसने फोर्स जनरेट किया तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा है ना, मतलब रिले एक यहाँ पे फोर्स लगाएगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि उतना ही फोर्स के लिए मैं एक यहाँ पे लगाता हूँ स्प्रिंग। लो मैंने यहाँ पे उतना ही फोर्स का एक लगा दिया स्प्रिंग, ठीक है? मतलब जब रेटेड करंट होगा तो वो रेटेड करंट अंदर नहीं जा पाएगा। मतलब अगर 500 एम्पीयर पे 5 एम्पीयर आई, जो फोर्स आया मान लो 10 न्यूटन का फोर्स आया, तो 10 न्यूटन के फोर्स के लिए आपका ऊपर ही है तो सर्किट क्लोज नहीं होगा, जब सर्किट क्लोज ऊपर नहीं होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगी, और जब करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ पे कोई फोर्स जनरेट नहीं होगा, और जब फोर्स जनरेट नहीं होगा तो ये इसको पीछे नहीं खींचेगा, मतलब आपका सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट यहाँ पे बना रहेगा, और बढ़िया मेरा जो लोड है वो करंट को एंजॉय करता रहे क्योंकि वो करंट सेफ करंट है। लेकिन जब हमारे पास फॉल्ट करंट आएगी, फॉल्ट करंट होगी, ज्यादा करंट होगी, तो जो करंट ट्रांसफार्मर है वो 600 करंट यहाँ पे है तो उस 600 को कन्वर्ट करेगा 6 एम्पियर में, और जब 6 एम्पियर करंट यहाँ पे जाएगी तो वो कितना फोर्स जनरेट करेगी, 12 न्यूटन, और जब 12 न्यूटन फोर्स जनरेट करेगी तो वो स्प्रिंग उतना 12 न्यूटन फोर्स को नहीं रोक पाएगी, तो यहाँ पे ये सिग्नल आपका जो ट्रिप है वो है ना, जो कांटेक्ट वो नीचे आ जाएगा, रिले कांटेक्ट नीचे आ जाएगा, तो इस सर्किट क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और इसको पुल डाउन कर लेगा। सर ब्लर्ड हो रहा है, सर रिपीट वंस ब्लर दिख रहा है, 1 मिनट आप लोग रुकेंगे क्या? क्योंकि शायद से मैंने आज जियो का इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, मुझे इसको एयरटेल में कनेक्ट करना है, मैं इसी स्टार्टिंग में देख रहा था मैसेज। नहीं, मुझे क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम को सही करना होगा, 1 मिनट रुकना आप लोग है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे केबल चेंज कर रहा हूँ। दो मिनट रुकिएगा, ब्लर वाली प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। बताओ 5G आ गया लेकिन इतना नेट स्लो है यार, बताओ। इतना तो 3G में चल जाता था ना, 4G 5G पता नहीं दुनिया कहाँ पहुंच रही है, इंटरनेट कहाँ पहुंच रहा है। बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ, तो अपना एक बार फिर से मैं बताती बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाए, पहले एक बार इंटरनेट को मैं थोड़ा सही हो जाने दूँ। अब बताइए है ना, अब मैंने थोड़ा स्विच कर दिया है, अभी बताएंगे सभी, अभी बताएंगे सभी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, या फिर बारिश का इफेक्ट है, कुछ भी हो सकता है भाई। अभी ठीक है ना, अभी आयुष अभी बताइए, कुछ
कुछ ब्लर वगैरह तो नहीं है ना? सब कुछ सही चल रहा है अभी? इंटरनेट कंफर्मेशन तो दीजिए आप सभी लोग। ठीक है, चलिए तो मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ। आई होप सब कुछ सही होगा, है ना? आप लोग अपना कंफर्मेशन जरूर। अरे यार, नेटवर्क इज लॉस्ट, ट्राइंग टू रिकनेक्ट। क्या हो रहा है रे बाबा, क्या हो रहा है? ये क्या देखना पड़ रहा है आजकल में? एवरीथिंग ओके? टाइप कहाँ कर रहा हूँ, कहाँ हो रहा है? कुछ गड़बड़ है, समथिंग रॉन्ग। आप लोग के मैसेज भी नहीं आ रहे हैं यार, है ना? प्रॉब्लम ये है कि आप लोग के मैसेज भी नहीं आ रहे हैं। जस्ट अ सेकेंड, अभी बताएंगे सभी, अभी बताएंगे सभी। अभी सब कुछ ठीक है? इंटरनेट वगैरह जो भी प्रॉब्लम था सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया? एक बार अभी तो बताइए सभी लोग कि सब कुछ ठीक है ना? अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लियर है, ऑल क्लियर। चलो अब हम लोग दोबारा एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर, थोड़ा सा बीच में गैप आ गया है ना, तो मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, ये है मेरे पास बस बार, ये है मेरा लोड, और लोड मेरा बढ़िया बस बार से आराम से करंट को इंजॉय कर रहा है, मतलब लोड बढ़िया ऑपरेट कर रहा है। जब कभी मान लो यहाँ पे लोड की जो रेटेड करंट है वो 500 एम्पियर है, तो अगर मान लो 500 एम्पियर से ज्यादा करंट आई तो होता क्या है कि उस करंट को मानते हैं फॉल्ट करंट। तो मान लो रेटेड करंट कितनी 500, और इसमें करंट फ्लो हो रही है 600 एम्पियर, जो कि लोड को डैमेज कर सकती है। तो वो क्या, जो हमारा करंट ट्रांसफॉर्मर है, तो करंट ट्रांसफॉर्मर एक बढ़िया आइसोलेशन प्रोवाइड करता है रिले के साथ, है ना? तो हमने यहाँ पे करंट ट्रांसफॉर्मर लगाया कि वो 600 एम्पियर को 6 एम्पियर में करंट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो जब 6 एम्पियर करंट यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, वो जो ग्रीन वाला मैंने यहाँ पे बनाया ना टी शेप का, उसको वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जब वो अट्रैक्ट करेगा तो ऊपर का जो सर्किट है वो क्लोज बन जाएगा, और क्लोज सर्किट बनने की वजह से ये जो रिसोर्स है वो वाली करंट इसमें जाएगी, और जब ये वाली करंट इसमें जाएगी, ये वाली करंट इसमें जाएगी, तो ये इसको क्या कर लेगा, अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिससे हमारा सर्किट यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा एक बेसिक ट्रिप सर्किट है, जो कि सर्किट ब्रेकर और रिले का एक कॉम्बिनेशन बताता है कि कैसे हमारा रिले और सर्किट ब्रेकर काम करता है। ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन आए थे कि सर्किट ब्रेकर हमने क्यों लगाया है, सॉरी मतलब ये करंट ट्रांसफॉर्म हमने क्यों लगाया है। करंट ट्रांसफॉर्म लगाने की पीछे रीजन ये है कि अगर आप करंट ट्रांसफॉर्म नहीं लगाते तो वो 600 एम्पीयर करंट आपको रिले को देनी पड़ती है, और रिले हमारा 600, जो रिले कॉइल है वो 600 एम्पीयर करंट को डैमेज मतलब हैंडल नहीं कर पाता। तो करंट ट्रांसफर लगाने का पर्पज यही कि वो 600 एम्पियर को 6 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब रिले और जो ये लाइन है
इसके बीच में एक जो इंसुलेशन है, आइसोलेशन, वो प्रोवाइड कर देता कौन सा? करंट ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि करंट ट्रांसफॉर्मर में दो सर्किट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और दोनों के बीच में एक क्या होता है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होता है। ठीक है, मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है, आई थिंक अब आपके लिए इतना सही होगा। ठीक है, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़िए ना, जितना मैंने बताया बहुत है, इससे ज्यादा मत पढ़िए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया आपका क्या, एक ऑपरेशन। तो अगर मैं इस ऑपरेशन को थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको स्टेप में, तो सबसे पहले क्या हुआ आपके पास यहाँ पे, आप क्या हुआ, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या आया, है ना, देखना प्रॉपरली, पहला पॉइंट क्या बोलोगे आप, कि आपके पास यहाँ पे बस बार है। ठीक है, बस बार से, है ना, जो बस बार है उस बस बार से लोड आपका कनेक्टेड है। हाँ या ना, बस बार उससे आपका यहाँ पे क्या है, लोड कनेक्टेड। इफ रेटेड करंट फ्लो, इफ रेटेड करंट फ्लो, अगर आपकी रेटेड करंट फ्लो हो रही है तो कोई दिक्कत है क्या हमारे पास? इफ रेटेड करंट फ्लो दैट मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम, दैट मीन्स देयर इज नो प्रॉब्लम, सिस्टम हमारा आराम से चलता रहे, देयर विल बी देयर इज नो प्रॉब्लम, हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब हमारा रेटेड करंट फ्लो हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आराम से काम करता रहेगा वो। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है वो समझना, प्रॉब्लम ये आती है जब हमारे पास करंट रेटेड करंट से ज्यादा होती है, दैट मीन्स उस करंट को हम बोलते हैं आपका फॉल्ट करंट। आई एम, तो क्या बोला मैंने, व्हेन करंट इज ग्रेटर देन रेटेड करंट, व्हेन व्हेन आई एम मतलब लोड करंट इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन रेटेड करंट। When IL is greater than rated current, उस केस में क्या होता है, जब आपका लोड करंट ज्यादा है ग्रेटर करंट से, रेटेड करंट से, उस करंट को हम बोलते हैं आपका फॉल्ट करंट। समझ में आई बात बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं आपका फॉल्ट करंट। ठीक है ना, उस करंट को हम बोल देते हैं आपका कौन सा करंट, फॉल्ट करंट। अब बात ये होती है कि मान लो फॉल्ट आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास फॉल्ट यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद कैसा कैसा ऑपरेशन होगा देखना समझना सभी लोग। सबसे पहले आया यहाँ पे फॉल्ट अकर्स, मतलब फॉल्ट आ चुका है। फॉल्ट आने के बाद सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है इसकी जो रेटेड करंट यहाँ कितनी थी, 5 एम्पियर, तो वो जब 600 एम्पियर करंट जाएगी तो जो सीटी की जो सेकेंडरी करंट है That will increase, 5 से 6 हो जाएगी ना। मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास फॉल्ट आने से ही, जैसे हमारे पास फॉल्ट आया, फॉल्ट आते से ही हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारा करंट ट्रांसफार्मर का क्या हो जाएगा, सेकेंडरी करंट विल इंक्रीज, करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट विल इंक्रीज, सेकेंडरी करंट विल इंक्रीज। समझ में आया बात क्या बोला मैंने, जैसे हमारे पास फॉल्ट आया उससे हमारा करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट विल इंक्रीज, हमारी सेकेंडरी करंट यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब जैसे ये करंट हमारे पास यहाँ पे हुई तो हमारे पास जो रिले के जो सर्किट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, रिले हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्लोज हो जाएगा। हाँ या ना, बिल्कुल। थर्ड स्टेप हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी रिले विल बी क्लोज, रिले का जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, रिले सर्किट क्लोज्ड। जैसे हमारा रिले सर्किट यहाँ पे क्या हो गया, क्लोज हो गया, और रिले सर्किट क्लोज होने के बाद क्या होगा, रिले सर्किट होने के बाद हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा ट्रिप सर्किट है, ये हमारा क्या ट्रिप सर्किट है ना, इसको हम बोलते भी यहाँ पे क्या है, ट्रिप कॉइल, या आपका रिले कॉइल था या आपका था ट्रिप कॉइल, आप चाहो तो लिख लो कहीं पे, दिस इज योर दिस टाइप ऑफ कॉइल, ट्रिप कॉइल लिख लीजिए आप। तो हमारा ट्रिप सर्किट यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो अगर रिले सर्किट क्लोज हुआ उससे हमारा क्या होगा, यहाँ पे ट्रिप सर्किट क्लोज हो जाएगा।
ठीक है। और जब ट्रिप सर्किट क्लोज हो गया, ये आपके पास यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिप सर्किट यहाँ पे क्लोज हो गया, उसके बाद क्या होगा, ट्रिप सर्किट क्लोज होने के बाद क्या होगा आपके पास, हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो मतलब इसके बाद हमारे पास सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, सर्किट ब्रेकर विल ओपन। यहाँ पे हमारे पास जो सर्किट ब्रेकर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जब सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया, जब सर्किट ब्रेकर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हमारा लोड और या फिर हमारा जो सिस्टम है और फॉल्ट सर्किट वो आइसोलेट हो जाएगा। फॉल्टी पार्ट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सिस्टम से अलग हो जाएगा, फॉल्टेड पार्ट विल बी आइसोलेटेड। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, फॉल्टेड पार्ट विल बी आइसोलेटेड, जो फॉल्टेड पार्ट है हमारा पावर सिस्टम का वो हमारा आइसोलेट हो जाएगा। फॉल्टेड पार्ट्स आइसोलेटेड, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक ट्रिप सर्किट ऑपरेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे बताया। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ट्रिप सर्किट तो ओपन होगा ना, अरे भाई पहले ट्रिप सर्किट क्लोज तो होगा ना, आप ये समझो ये रिले सर्किट है ना, तो ये तो क्लोज होगा ना पहले, है ना। हमारा ओपन क्या होता है, हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन होता है, बाकी ये तो क्लोज हो रहा है ना, ये तो ऑलरेडी नॉर्मल कंडीशन में ओपन ही रहता है, ये अभी जब फॉल्ट है तब क्लोज होगा, जब ये क्लोज होगा तो फिर ये बाहर आएगा, है ना, ठीक है। चलो इतना नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़े। थोड़ा सा पता आप लोग बहुत मतलब लेट कर रहे हो यार, है ना, थोड़ा सा आप लोग फास्ट करो चीजों को तो तब मजा आएगा फिर। तो किसकी बात बोली हमने, देखो यहां पे ट्रिप, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूज है, वो तो रिले सर्किट है। सर हमको नहीं समझ आया, मैं बताता हूं रुको फिर से। देखो पहले आयुष मैं आपको बताता हूं, दिस ये आपका क्लोज, ये आपका क्या है, ये आपका कॉइल, दिस इज योर ट्रिप कॉइल, ठीक है। ये आपका सर्किट ब्रेकर, आप इसको रिले सर्किट मत मानो, रिले सर्किट आपका क्या है, ये रिले सर्किट, अभी ये सर्किट आपका ओपन है, क्योंकि यहां पे सर्किट ओपन है। तो हुआ क्या, समझना प्रॉपरली, जब फॉल्ट आया, फॉल्ट आने से करंट ट्रांसफार्मर की करंट इंक्रीज हो गई, इंक्रीज होने से ये जो रिले कांटेक्ट है ये क्लोज हुए, रिले सर्किट यहाँ पे क्लोज हुआ, ये जो रिले सर्किट है यहाँ पे क्लोज हुआ। जब ये क्लोज हुआ तो पूरा सर्किट मेरा क्लोज बन गया, जब पूरा सर्किट क्लोज बन गया तो उसका मेरा सर्किट ब्रेकर यहाँ पे ओपन। समझ में आया क्या बोला मैंने कंडीशन आपको? अरे यार मैंने गोद दिया, अब क्या करूं मैं, ठीक है। ट्रिप सर्किट किधर है, अरे भाई ये सर्किट ट्रिप सर्किट है, ये वाला जो लूप है ना, दिस इज योर ट्रिप सर्किट एंड दिस इज योर रिले सर्किट, ठीक है, एंड ये आपका यहाँ पे सर्किट ब्रेकर। ठीक है सर प्लीज साइड, बिल्कुल अंकित सर साइड में हो जाएंगे, 2 मिनट रुकना। ठीक है आज से मैं अपना रूप अवतार थोड़ा छोटा कर लिया हूं, चलो हो गया इतना। पता है अपन को क्लास स्टार्ट हुए 30 मिनट हो गए, अपन यही पे लटके हुए हैं, थोड़ा सा स्लो चीजें चल रही है ना, तो ज्यादा स्लो ना चले तो ज्यादा सही है, थोड़ा सा आप लोग अपनी स्पीड को भी बढ़ाइए, ठीक है। ओके फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो हमारा प्रोटेक्टिव रिले है, जो हमने यहाँ पे रिले पढ़ा है ना, रिले कॉइल रिले, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्या क्या आप हमको नहीं बता रहे हैं सर, आपका क्या डाउट है यार, आपका डाउट क्या, आप डाउट हैंड रेज करिए ना, आप हैंड रेज कर लीजिए हर्षित, ठीक है,
हैंड रेज कर लीजिए जो आपका डाउट है, आप राइट बोल दीजिए, क्योंकि चैटिंग करने में आपका भी थोड़ा सा टाइम जाएगा, बाकी लोग का भी टाइम जाएगा, तो इससे अच्छा ये कि आप डायरेक्टली बोल के पूछ लीजिए आपका क्या डाउट है। हाँ बोलिए, आप हर्षित क्या बोलना चाह रहे हैं? हेलो, हाँ बेटा बोलिए। गुड गुड इवनिंग सर। इवनिंग। सर ये पूछ रहे थे कि ये अट्रैक्ट कैसे हो जाता है, जैसे करंट अगर जा रहा है इसमें 6 एम्पियर मान लिया, अट्रैक्ट कैसे हो जा रहा है इधर नीचे साइड। ये देखो, एक चीज हम लोग ईएमटी में पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं एम्पियर्स लॉ, या फिर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट का नाम सुना है ना, मेजरमेंट में से मैंने आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था या फिर आपका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट बनाया था, तो फिक्स्ड कॉइल होती है। एक ये फिनोमिना है कि आपके पास जो मैग्नेट होता है ना, जो आप लोग काला काला कलर का मैग्नेट देखते हो, उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। उसमें क्या होता है कि नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं, वो आपका जो भी आसपास की मैग्नेटिक चीजों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर हमारे पास परमानेंट मैग्नेट नहीं है तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, एक कॉइल लिया, उसमें करंट पास कर दिया तो वो मैग्नेट बन गया। तो बस ये किया ना अपन ने, सीटी ने करंट लेके आया 6 एम्पियर, रिले कॉइल यहाँ पे है, तो जब 6 एम्पियर करंट रिले कॉइल में जाएगी, मतलब एक इंडक्टर है यहाँ पे, कॉइल है, जब उसमें करंट जाएगी तो एक मैग्नेट का काम बन जाएगा ये, और जब मैग्नेट बन जाएगा तो ऊपर जो मैग्नेट का हिस्सा है ना, उसको अट्रैक्ट करेगा, जो टी शेप का उसको अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो रिले यहाँ पे हमारा सर्किट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सर सिटी में सर हमेशा करंट पास होता रहता है क्या? तो सीटी में हमेशा करंट पास होता रहेगा सिटी सर में। ये तो मतलब करंट को कम कर देता है ना, 500 को 5 एम्पियर बोल दे बना दे रहा है, लेकिन लोड मेरा 500 एम्पियर ले रहा है, फिर आगे कैसे जाएगा? बात ये समझो ना, आप इसको समझो कि यहाँ पे 500 एम्पियर, पूरा 500 एम्पियर यहाँ तक जा रहा है, बस ये सैंपल ले रहा 500 एम्पियर का, 500 एम्पियर यहाँ पे गया, ठीक है ना, 500 एम्पियर ही गया, 5 एम्पियर गया है ना, 500 एम्पियर यहाँ पे आ रहा है, तो 5 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है ना, यहाँ पे जा रहा 5 एम्पियर। अरे भाई पेन को क्या हो गया, यहाँ पे जा रहा 5 एम्पियर, यहाँ तो पूरा 500 जा रहा है ना, यहाँ थोड़ी जा रहा 5 एम्पियर, ये सर्किट हमने ऐसे निकाल लिया है। ठीक है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ ओके लोड, सर, क्लियर है सर। ठीक है ना। चलिए ठीक है, रुकिएगा थोड़ा मैं यहाँ पे, ठीक है अब सही है था। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते सभी लोग आ जाओ यार फटाक से। कुछ हम लोग यहाँ पे रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट होती हैं हमारे रिले की, तो इसेंशियल क्वालिटीज कौन कौन सी होनी चाहिए और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट हमारे प्रोटेक्टिव रिले की होनी चाहिए। तो क्या बोला मैंने आपके सामने यहाँ पे, इसेंशियल क्वालिटीज, इसेंशियल क्वालिटीज ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। ठीक है, जो हमारा प्रोटेक्टिव रिले है उसमें कौन कौन सी इसेंशियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करें। सबसे पहला तो वो होना चाहिए रिलायबल। रिलायबल मतलब क्या, भरोसे वाला है ना, ये तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आपका ये हमारा क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, मतलब रिलायबिलिटी होनी चाहिए। सेकंड आप क्या बोलोगे कि इसमें स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए, मतलब जल्दी ये खराब ना हो, है ना, इसमें एक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए ना, जो आपका रिले सर्किट है उसमें एक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम क्या बोलेंगे कि आपका जो रिले सर्किट है वो एक अच्छा सेंसिटिविटी होनी चाहिए। क्या चाहिए आपके पास यहाँ पे, सेंसिटिविटी, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये बहुत जल्दी समझ जाए कि भाई ये जो करंट है वो रेटेड करंट है या फॉल्ट करंट, ये प्रॉपरली समझ पाए कि 500 एम्पीयर करंट फ्लो हो रही थी, 510 फ्लो हो रही है, मतलब ये 210 एम्पीयर करंट है ना, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो थोड़े से भी चेंज को समझ पाए, सेंस कर पाए, मतलब हमारा प्रोटेक्टिव रिले ऐसा होना चाहिए, सेंसिटिविटी की अच्छी होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट हम बोलेंगे स्पीड एंड टाइम, मतलब हमारा जो रिले है उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए और टाइम मतलब कम टाइम में ऑपरेट कर ले, ऐसा ना हो कि फॉल्ट को सेंस करता रह गया, 5 मिनट बाद को फॉल्ट को सर्किट ब्रेकर को दे रहा है, तो बहुत टाइम डिले हो जाएगा ना, हमको बहुत जल्दी ऑपरेट करना, तो जो सर्किट ब्रेकर रिले है इनका स्पीड और टाइम डिले बहुत कम होना चाहिए, है ना।
स्पीड अच्छा होना चाहिए, टाइम डिले कम होना चाहिए, या फिर हम बोलेंगे टाइम ऑफ स्पीड अच्छा होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे स्पीड कैसे होनी चाहिए, मोर एंड टाइम डिले विल बी लेस। बहुत सारे टाइप के रिले आएंगे, हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे भी, डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पे और क्या होना चाहिए हमारे रिले में, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे सिंपल एंड इकोनॉमिकल, मतलब सिंपल होना चाहिए, ज्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए, एंड इकोनॉमिकल सस्ता भी होना चाहिए, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि जैसे मैंने आपके सामने एग्जांपल लिए थे कि यहाँ पे 500 एम्पीयर 600 एम्पीयर करंट, लोड में मान लो मेरे पास 40 एम्पीयर करंट है, तो 40 एम्पीयर का आप यहाँ पे क्या लगाओ रिले लगाओगे, है ना। अगर मान लो यहाँ पे 100 एम्पीयर करंट हो, 100 एम्पीयर का लगाओगे, 200 एम्पीयर तो 200 एम्पीयर का लगाओगे, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, सेलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आप किसी को भी सिलेक्ट कर पाए, डिस्क्रिमिनेट कर पाए, तो सेलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन विल बी ऑल्सो देयर आपके रिले में, सेलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन ये भी होना चाहिए। सेलेक्टिविटी एंड डिस्क्रिमिनेशन आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। एक चीज थोड़ा सा आपको समझना है यहाँ पे, सेंसिटिविटी के बारे में एक क्वेश्चन बनता है, तो वो भी आप लोग ध्यान समझना, है ना। हमारा पास जो रिले होता है ना, उसकी जो सेंसिटिविटी है, क्या बोला मैंने यहाँ पे सेंसिटिविटी, उसको हम डिफाइन करते हैं किससे, के एस से। किससे डिफाइन करते हैं, के एस। सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं किससे, के एस। और इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या बोलोगे, ये वैल्यू होती है कि हमारे पास मिनिमम कितना शॉर्ट सर्किट करंट होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय मिनिमम ऑपरेटिंग करंट फॉर द प्रोटेक्शन। मतलब आप इसको पहले समझ लो ऐसा, केएस को हम बोलते हैं किसका किसका रेशियो होता है, आई एस अपॉन आई नॉट। आई एस आपका क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट, आई नॉट आपके पास है ऑपरेटिंग करंट। जो रिले में शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होती है वो डिवाइड बाय ऑपरेटिंग करंट, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो हमारा था आपका क्या सेंसिटिविटी। इसको मैं अपने लिख देता हूं कि ये के आई एस और आई नॉट क्या है, तो कभी अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो आप लोग कितना पता होना चाहिए। तो क्या बोला मैंने आपके पास यहाँ पे, ठीक है, के एस ये आपका क्या है, ये आपका क्या सेंसिटिविटी है, ये तो लिखा हुआ। आई एस लिखना है, आई एस क्या आपके पास यहाँ पे, आई एस इज द मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट, मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट इन द जोन, जोन मतलब जहां पे फॉल्ट होने वाला है, मिनिमम शॉर्ट सर्किट करंट इन द फॉल्टेड जोन, या फिर जोन बस लिख दो। और आई नॉट आपका क्या है, मिनिमम ऑपरेटिंग करंट इन द रिले, मिनिमम ऑपरेटिंग करंट फॉर द प्रोटेक्शन। तो कभी अगर आपसे पूछ दिया तो आप याद रखना, आपका शॉर्ट सर्किट डिवाइड बाय आई नॉट, आई एस अपॉन आई नॉट आप इतना याद रखोगे ना, तो ये आपका कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिले पढ़ेंगे कि हमारे पास कितने टाइप के रिले होते हैं, है ना, और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, आपका प्रोटेक्टिव रिले के बारे में। तो पहले हमारे पास होता है कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इतना बताऊंगा कि आपसे सारे क्वेश्चन बन जाए, मेरा पर्पज आपको पीएचडी कराना नहीं है। अरे यार लाइट बोलो भाई, दो मिनट रुकिए मैं फैन ऑन कर लेता हूँ, है ना, गर्मी लग रही है मेरे को।
चलिए तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट करिएगा, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले। इसकी वर्किंग थोड़ा बहुत जो मेजरमेंट में आपने मूविंग अरेंजमेंट पढ़ा था उसके सिमिलर है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग पुट कर लो यहाँ पे, क्या बोला मैंने, कौन से टाइप रिले पढ़ने वाले हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप रिले। आज का हमारा टारगेट है किसको कंप्लीट करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले। ठीक है, ओके। तो एक चीज समझना कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, पहला होता है सोलेनोइड, ये तीन प्रकार के आपके पास होते हैं। पहला मैंने आपको कौन सा बताया, आपको सोलेनोइड टाइप। अच्छा, इनकी जो वर्किंग है तीनों की सेम है ना, तो मैं एक साथ इन तीनों की वर्किंग बताऊंगा, सोलेनोइड टाइप। दूसरा था आपका अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप, इनके नाम याद रखना, कोई सा क्वेश्चन बन जाए, अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप। ठीक है, और नेक्स्ट होता है आपका बैलेंस्ड बीम टाइप। तो होता है बैलेंस्ड बीम टाइप, सोलेनोइड टाइप, अट्रैक्शन आर्मेचर टाइप और बैलेंस्ड बीम टाइप। इतने प्रकार के हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले होते हैं। और इन तीनों की जो वर्किंग है वो क्या, ऑलमोस्ट सेम है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, इनकी जो वर्किंग है ऑलमोस्ट सभी की सेम है। और इनकी वर्किंग है क्या, थोड़ा सा वो समझो, इनकी वर्किंग है क्या, थोड़ा सा वो समझो। जैसे हमारे पास इस टाइप की जो लिखा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप जो रिले है उसमें होता है क्या, आप प्रॉपरली समझना। देखना, मैं आपको प्रॉपरली बताता हूँ। जैसे मान लो ये मेरे पास यहाँ पे क्या, सी टी, करेंट ट्रांसफॉर्मर। तो करंट ट्रांसफॉर्मर हमारा क्या करेगा, यहाँ पे करंट को सेंस करेगा, ठीक है ना, करंट को लेके आएगा, ठीक है। और वो प्रोवाइड करता है किसको, हमारे पास रिले वाले सर्किट। यहाँ पे मैं बात करूँ, ठीक है। और यहाँ पे होता है क्या समझना, एक हमारे पास जैसे कोर होगा है ना, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, इसमें हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। अरे मुझे ये वाइंडिंग बनाते हुए नहीं बनती है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, और नंबर ऑफ टर्न्स करंट जाएगी किसमें, आपके पास इसमें जाएगी, जो सीरीज करंट आएगी वो किसमें जाएगी, इसमें जाएगी। तो ये आपका बन जाता है एक मैग्नेट की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बन जाता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब ये आसपास की जो मैग्नेटिक चीजों को अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास यहाँ पे टी से का क्या होता है, स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे ये टी है, ये क्या होता है आपका, एक मैग्नेटिक मटीरियल, ये जो आपका टी शेप का बनाया हुआ है, दैट इज योर मैग्नेटिक मटीरियल, दिस इज योर व्हाट काइंड ऑफ मटीरियल, दिस इज योर मैग्नेटिक मटीरियल। और जब मैग्नेटिक मटेरियल, यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका अट्रैक्ट, जब अट्रैक्ट होगा, जब ये अट्रैक्ट होगा तो उसके बाद आपको पता है कि ये जब अट्रैक्ट होगा तो ये सर्किट हमारा क्लोज होगा, तो यहाँ पर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सर्किट ब्रेकर रूम भी ऑपरेट, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर रूम भी ऑपरेट। ठीक है, अरे यार दोनों हो गया, क्या हो गया, एसी भी चालू हो गया, पंखा भी चालू हो गया, ठंड लगने लग गई, वही दिक्कत रहती है क्या, ठंडी गर्मी को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ठीक है चलो, हाँ, शॉर्ट सर्किट करंट या फॉल्ट करंट, मतलब शॉर्ट सर्किट क्या, फॉल्ट करंट की मैक्सिमम वैल्यू।
जैसे आप ये समझो ना कि 500 एम्पेयर पे तो फॉल्ट हो गया था, मतलब 500 पे तो रेटेड करंट, जो एग्जांपल लिया था मैंने 500 एम्पेयर आपकी रेटेड करंट थी, 510 भी आपकी क्या है रेटेड करंट नहीं है, वो आपका फॉल्ट करंट, 510 एम्पेयर। 2 मिनट रुको यार, पंखा बंद कर देता हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम है। इन्वर्टर में फैन क्या होता है, थोड़ा सा धीमा चलता है, लेकिन जब पावर आ जाता है तो थोड़ा फैन थोड़ा तेज चलता है, और इतना तेज चलता है कि मेरा जो लैपटॉप कंप्यूटर फट फट से होता है, जैसे पेज होता है ना उड़ता है उस टाइप इतना तेज पहले था, फट फट मेरा लैपटॉप का स्क्रीन हिलता है। तो अभी आप देख रहे हो ना, तो इधर पहले मेरा कैमरा थोड़ा हिल रहा था, वो क्यों हिल रहा था, फैन की वजह से। खैर कोई नहीं, तो ये आपका मैंने किसके बारे में बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले, चाहे वो सोलेनोइड हो, चाहे वो अट्रैक्टर आर्मेचर टाइप हो, चाहे वो बैलेंस बीम टाइप हो, जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल सभी के वर्किंग का वो यही है, ठीक है। ओके, अब इनका जो ऑपरेशन है, इनका जो ऑपरेशन है वो दोनों में होता है, इनका जो ऑपरेशन है वो दोनों में होता है, डीसी में भी होता है और एसी में भी होता है। तो ये पॉइंट लिखिएगा, ये आपका ऑपरेशन इनका होगा, किसमें होगा, दोनों में होता है। तो लिखिएगा विल बी ऑपरेटेड ऑन बोथ, ये एक क्वेश्चन आपके सामने बन के तैयार हो गया, ये एक क्वेश्चन आपके सामने बन के तैयार हो गया, ये किसमें काम करता है, एसी की डीसी की बोध, तो क्या बोलोगे, दोनों में, एसी में भी काम करता है एंड डीसी में भी काम, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं कि डीसी में कैसे काम करेगा और एसी में कैसे काम करेगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूंगा, है ना, वो आप ये समझो कि होता क्या है ना, होता ये है, जैसे मान लो, है ना, ये जो मेरे पास क्या है रिले सर्किट, ये जो मेरे पास यहाँ पे ये वाला सर्किट है ना, दिस इज माय रिले सर्किट। तो रिले सर्किट में यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसमें एक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, क्यों लग रहा होगा, क्योंकि ये कॉइल यहाँ पे इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, उस फोर्स को मैं बोलता हूँ आपका ऑपरेटिंग फोर्स, है ना, उस फोर्स को बोलता हूँ आपका कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोल सकते हैं उसको, क्योंकि इस केस में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स FE, या फिर ऑपरेटिंग फोर्स बोल सकते हैं। और ये स्प्रिंग भी एक फोर्स क्रिएट करेगी जिसको बोलता हूँ आपका रीस्ट्रेनिंग फोर्स FR। तो जब आपका FR जाता है उस टाइम पे हमारा ये सर्किट क्लोज नहीं होगा, क्या बोला मैंने, व्हेन FE एंड FR में से FR ज्यादा है, रीस्ट्रेनिंग फोर्स ज्यादा है, उस केस में आपका जो रिले सर्किट है वो क्लोज होगा, नहीं होगा, रिले सर्किट अभी आपका क्या है यहाँ पे ओपन होगा। और जब आपका एफ आर से, मतलब एफ ई आपका ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू एफ आर, मतलब अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा हो गया क्योंकि करंट ज्यादा हो गई, उस केस में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिले सर्किट विल बी क्लोज्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका किसके बारे में, एफ ई एंड एफ आर के बारे में, ठीक है। चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, ये आपका एसी और डीसी दोनों में ऑपरेट होगा, इसके आगे आपको क्या पढ़ना है कि डीसी में कैसा ऑपरेशन होगा और एसी में कैसा ऑपरेशन होगा वो आपको समझना, तो आप हेडिंग पुट कर लेना यहाँ पे फॉर डीसी ऑपरेशन। डीसी में कैसा ऑपरेट करेगा वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो मैंने क्या बोला, दो फोर्स होते हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक होता है हमारे पास एफ ई, एक होता है हमारे पास यहाँ पे एफ आर, एफ ई जिसका हम क्या बोलते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स या फिर
ऑपरेटिंग फोर्स दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, ऑपरेटिंग फोर्स। या फिर हम इसको बोलते हैं आपका ऑपरेटिंग फोर्स, या फिर तो दूसरा मैंने आपको बताया क्या नाम बताया मैंने उसका, आपका आपका एफ आर, जो कि स्प्रिंग फोर्स लगा रहा होगा ना, एफ आर जिसको बोलता हूँ आपका क्या मैं, रीस्ट्रेनिंग फोर्स। या फिर हम अपनी लैंग्वेज में बोले तो क्या बोलेंगे इसको, स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग एक अपोजिट में फोर्स लगा रहा होगा कि रेटेड करंट में आपका सर्किट ट्रिप ना हो, है ना, उसका मतलब आपका रीस्ट्राइकिंग। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान देना कि डीसी के केस में, डीसी के केस में जो एफई होता है मतलब ऑपरेटिंग फोर्स होता है दैट इज कांस्टेंट, है ना, तो वो आपका क्या होगा यहाँ पे, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो आपका क्या होता है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ध्यान देनी कि इसकी जो वैल्यू हम बोलेंगे वो क्या होता है आपका, दैट इज के वन एक कांस्टेंट है, के वन आई स्क्वायर। तो इसमें आपका डीसी में करंट कांस्टेंट होगा तो आपका एफ ई भी यहां पे क्या होगा, कांस्टेंट, है ना, क्योंकि आपका करंट तो कांस्टेंट होता है, डीसी है, डीसी में करंट कांस्टेंट होगा, डीसी करंट है, उस वजह से आपका ऑपरेटिंग फोर्स भी कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा, वेरिंग नहीं होगा, ये फिक्स होगा, है ना, 10 न्यूटन 15 न्यूटन 20 न्यूटन जितना ही फोर्स होगा उतना न्यूटन होगा, चेंजेबल नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बोला आपके पास था एफ आर जिसको मतलब रीस्ट्रेकिंग फोर्स, वो तो आपका ऑलरेडी क्या होगा, कांस्टेंट होता है k2, एक कांस्टेंट लिया मैंने यहां पे k2, अलग-अलग बुक में इसके अलग-अलग टर्म्स दिए हुए हैं जिसको मैंने k2 मान लिया। फिर मैं क्या मानता हूं कि जब मेरा नॉर्मल ऑपरेशन होगा, जब मेरा सर्किट का क्या होगा नॉर्मल ऑपरेशन, उस केस में क्या होता होगा, मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमारा नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है मतलब फॉल्ट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा बताओ जरा, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको नॉर्मल ऑपरेशन में हमारे पास एफ आर विल बी ग्रेटर देन एफ ई, इसको हम बोलते हैं आपका नॉर्मल ऑपरेशन, है ना। फिर एक होता है आपका यहाँ पे होता है रिले ऑपरेशन, मतलब रिले जहां पे ऑपरेट करता है उसमें क्या होगा आपका एफ ई विल बी ग्रेटर देन एफ आर। ठीक है, और एक होता है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, एट द टाइम ऑफ फॉल्ट, एट द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट, एट द इंस्टेंट ऑफ फॉल्ट, उस केस में एफ ई और एफ आर दोनों अपने क्या होते हैं बराबर। ठीक है, ओके ओके। फिर हम बात करें थोड़ा सा किसके बारे में, आपका एसी के ऑपरेशन में थोड़ा सा यहाँ पे बात करें कि हमारा एसी में कैसे काम करेगा, वो हम लोग थोड़ा सा बात यहाँ पे करने वाले फॉर एसी ऑपरेशन, आप लोग हेडिंग पुट करना है यहाँ पे फॉर एसी ऑपरेशन, एसी में हमारा कैसे काम करेगा फॉर एसी ऑपरेशन। ठीक है, तो एक चीज आपको समझना है कि मेरा जो एफ ई होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, दिस एफ ई इक्वल्स टू, यहां बताया था मैंने क्या, के वन आई स्क्वायर, एफ ई इक्वल्स कितना है के वन आई स्क्वायर, लेकिन यहां पे जो आई करंट है दिस इज नॉट कॉन्स्टेंट, दिस इज टाइम वेरिंग करंट, दिस इज व्हाट काइंड ऑफ करंट, टाइम वेरिंग करंट, क्योंकि आपका एसी है ये, तो टाइम वेरिंग करंट, टाइम वेरिंग करंट मतलब क्या, आई एम साइन ओमेगा टी, फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी भाई, ये आपका क्या होगा आई एम साइन ओमेगा टी होगा। ठीक है, ये आपका फिक्स्ड करंट नहीं होगा, दिस विल बी टाइम वेरिंग करंट आई एम साइन ओमेगा टी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में, तो कितना मिल जाएगा एफ ई इक्वल टू हाउ मच, याद की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे हाफ KIM स्क्वायर, IM क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू, माइनस हाफ KIM स्क्वायर कॉस
ओमेगा टी। तो ये आपका हो गया यहाँ पे क्या ऑपरेटिंग फोर्स, मतलब इससे हमको ये समझ में आया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसमें दो कंपोनेंट है। इससे हमको क्या समझ में आया कि जो हमारा ऑपरेटिंग फोर्स है उसमें कितने टर्म्स है, दो टर्म्स। तो आप ऐसा लिख सकते हो, इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैविंग टू कंपोनेंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज हैविंग टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हमारे पास यहां पर देखने को मिले। हमारे एसी ऑपरेशन में हमारे पास देखो, हमारे डीसी में ऑपरेट किया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपका कांस्टेंट था, लेकिन हम अगर एसी में ऑपरेट करते हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसमें दो टर्म्स आ रहे हैं, पहला तो है कांस्टेंट और दूसरा है टाइम, क्योंकि पहले वाले टर्म में तो कहीं पे टाइम आया नहीं है और सेकेंड वाले में आपके पास टाइम यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, पहला क्या बोला मैंने आपका, दैट इज कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये आपका कांस्टेंट है एंड दिस इज योर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम पे डिपेंडेंस की नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। एंड जो सेकेंड बने आपके पास दैट इज व्हाट, जो सेकेंड बने उसको आप क्या बोलोगे, दैट इज पल्सेटिंग एट द डबल फ्रीक्वेंसी, मतलब यहां पे टाइम डबल हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ पे क्या हो गई डबल, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे डबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे टू टी की वजह से क्या हो जाएगा आपके पास फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, टू ओमेगा ना यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे सेकंड पॉइंट पल्सेटिंग फोर्स होगा, तो फोर्स होगा कैसा होगा, सेकंड पार्ट क्या इंडिकेट करता है आपका कि वो हमारे पास एक पल्सेटिंग फोर्स होगा, जो हमारे पास फोर्स होगा दैट विल बी पल्सेटिंग फोर्स एट डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एट डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, जो सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी डबल फ्रीक्वेंसी का एक हमारे पास पल्सेटिंग फोर्स देखने को मिलेगा। तो मतलब हमारे पास जो एसी में ऑपरेट करते हैं तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है उसके दो कंपोनेंट होंगे, पहला होता है कौन सा कंपोनेंट, साइड में हो जाइए, बहुत पहले बोला था आपने है ना, कहां से आया, अरे बहुत सिंपल फॉर्मूला है यार, बहुत सिंपल फॉर्मूला, आप यहां पे पुट कर दो ना वैल्यू क्या, आई एम साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसकी वैल्यू क्या होती है, वन माइनस, आप लेता हूँ सिंपल मैथ यार, मैथ से आया वो है ना, आप इसको समझो, यहाँ पे के वन आई स्क्वायर है, यहाँ पे के वन आई एम साइन ओमेगा टी का स्क्वायर कर दोगे ये स्क्वायर बन जाएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी डिवाइड बाय टू आई स्क्वायर, सॉल्व कर लेते हैं आंसर आ जाएगा ना आपके पास, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं हो गया यहाँ पे ऑलरेडी, तो इसका हो चुका है, ठीक है, इतना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना आपको है ना, कोई बड़ा टास्क तो नहीं बताया ना, बहुत सिंपल बताया, ठीक है, मैथ है, मैथ को क्यों इन्वॉल्व करना है ना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं खुद क्यों बताऊँ, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको कि भाई हमारे पास एसी के ऑपरेशन में ऑपरेटिंग फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, पहला है कांस्टेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड द सेकंड वन इज पल्सेटिंग फोर्स एट द डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि एक चीज और यहाँ पे आप चाहो तो ध्यान रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग जो फोर्स है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का डबल है, तो समटाइम्स यहाँ पे एक नॉइज क्रिएट होता है, एक हमिंग साउंड क्रिएट होता है, तो लिख सकते हो आप यहाँ पे हमिंग साउंड कम्स ड्यू टू दिस, कभी ऐसा क्वेश्चन बना कि हमारे पास एक हमिंग साउंड देखने को मिलता है या नॉइज देखने को मिलता है, हमिंग साउंड, हमिंग साउंड एंड नॉइज कम्स, हमारे पास एक हमिंग साउंड या फिर नॉइज देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ दिस,
ठीक है, हमको एक हमिंग साउंड या फिर नॉइज देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जस्ट बिकॉज ऑफ ऑपरेट पल्सेटिंग फोर्स एट द डबल ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, उसकी वजह से हमिंग साउंड देखने को मिला। तो कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं और कुछ इसके एप्लीकेशन है, तो वो हम लोग फटाक से डिस्कस कर लेते हैं और आज की क्लास में पे खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए तो फटाक से 2 मिनट के अंदर इसके आप देख लो एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, और हमारा पहला टाइप का रिले खत्म, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पे, हम देखते हैं इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन कि हमारा इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं और कौन कौन से इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। तो पहला जो एडवांटेज हम बोलेंगे दैट इज, आप सभी को समझ में आया हो कि ये एसी एंड डीसी दोनों में यूज होता है, तो क्या बोलोगे, कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एसी एंड डीसी, कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एसी एंड डीसी, एसी एंड डीसी दोनों में ये यूज होता है। फास्ट है एंड इसका फास्ट रिसेट, मतलब मान लो अगर हमको एक बार रिले हमारा ऑपरेट कर गया है ना, तो उसको हमको दोबारा ऑपरेट करने की क्या होगा, रिसेट करना होगा, तो फास्ट रिसेट हो जाता है, जल्दी रिसेट हो जाता है ना। ऐसे लैपटॉप आपका काम कर रहा है ना, उसको बूट करना पड़ जाए है ना, उसको मतलब रिसेट करना, मोबाइल को भी आप लोग रिसेट करते हो, मतलब फिर से चीजें नहीं करना है ना, नया कर देना उसको, तो इसका फास्ट ऑपरेशन है और इसका फास्ट रिसेट है। तो क्या बोलोगे, फास्ट ऑपरेशन, एंड फास्ट रिसेट, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, इसका मैंने फास्ट ऑपरेशन बोला, इसका मतलब नहीं है कि सबसे ज्यादा फास्ट ही है। हमारे पास एक स्टैटिक वाले भी रिले आते हैं, उनके कंपैरिजन में इतना फास्ट नहीं है, उनके कंपैरिजन में ये स्लो ही है ना। तो एक पॉइंट याद रखना, हम एडवांटेज में लिखते हैं फास्ट ऑपरेशन, लेकिन जो हम लोग डिसएडवांटेज लिखे तो आप लिखेंगे स्लो ऑपरेशन, दोनों पॉइंट लिख रहा हूं मैं। फास्ट ऑपरेशन ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, जल्दी काम कर, लेकिन जो हम लोग आ रहा स्टैटिक वाला पॉइंट है, स्टैटिक रिले कंपैरिजन में बहुत स्लो होता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में बताऊंगा मैं वहां पे। थर्ड पॉइंट नोट करिएगा कि ये ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है, क्योंकि फास्ट क्या बोलोगे, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस है, ठीक है। और क्या बोलोगे कि इसमें जो पिकअप करंट होती है, पिकअप करंट, अच्छा एक चीज मैंने आपको नहीं बताई है, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है जो कि मैं कल आपको बता दूंगा क्लास में, कि जैसे पिकअप करंट ये समझो कि जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, सामने आप अपने घर से निकल चुके हो, आपका रास्ते में कहीं आपका फ्रेंड मिलेगा है ना, आप इसको ऐसा समझो, दिस इज योर होम, दिस इज योर कॉलेज, यहाँ पे आपके फ्रेंड का घर है, ठीक है। आप यहाँ से गाड़ी से निकले अकेले बैठ के, है ना, यहाँ तक किसी को नहीं बैठा, यहाँ किसी को नहीं बैठा, किसी को नहीं बैठा, किसी को नहीं, यहाँ फ्रेंड के घर आ गया, तो बाइक अपनी रोके, यहाँ पे आप बैठो, यहाँ पे आपका फ्रेंड बैठा है और आप चल दिए, तो इस टाइम को बोलते हैं पिकअप करना। तो हमारे पावर सिस्टम में भी रिले कहीं ना कहीं करंट को पिकअप करता है, जैसे 5 एम्पीयर थी तो उसको पिकअप नहीं किया, 5-10 उसको पिकअप कर लिया। तो पिकअप करंट हमारे पास क्या है, हाई होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो हमारा क्या बोलेंगे कि क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि जो हमारा डीसी है उस केस में 90-95% हमारी क्या होती है, पिकअप करंट होती है, और डीसी के केस में ये जो करंट होती है अबाउट 60-90% होती है। तो मतलब इसका पिकअप करंट भी अच्छा है, हमारा जो पिकअप करंट है वो आपका क्या है, अच्छा। तो एक पॉइंट ये भी लिखिएगा, पिकअप करंट इज हाई, पिकअप करंट कैन बी हाई एज 90-95% फॉर डीसी ऑपरेशन एंड
60-90% फॉर एसी ऑपरेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडवांटेज। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं फटाक से, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है वो देख लेते हैं। जनरली क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, रिले और सर्किट ब्रेकर ये एक ऐसे टॉपिक है ना कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो है कि इसका ये जो है कि डायरेक्शनल फीचर्स इज अब्सेंट, कि हम इसको किस डायरेक्शन में फॉल्ट इसको लगा पाए, तो डायरेक्शनल फीचर्स है वो हमारे यहाँ पे नहीं है। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, हमारे पास डायरेक्शनल फीचर्स इज एब्सेंट। जहां पे हमारे पास डायरेक्शनल फीचर्स आएंगे वहां बताऊंगा क्या होता है डायरेक्शनल फीचर। ठीक है, बस इसके नाम से पता समझ में आ रहा है कि किस डायरेक्शन में हमको ऑपरेट करना है, वो जो फीचर्स है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है समझो कि ये आपका जो रिले है दिस इज समटाइम्स अफेक्टेड बाय ट्रांजिएंट। क्या बोलोगे यहां पे, अफेक्टेड बाय ट्रांजिएंट। तो इसको ये समझ में नहीं आता कभी कभी कि हमारा जो रिले है ये जो करंट फ्लो हो रही है कभी कभी ज्यादा होगी ट्रांजिएंट के केस में, तो वो कंफ्यूज होता है कि भाई ये करंट कौन सी है, ये करंट आपकी फॉल्ट करंट है या फिर ये ट्रांजिएंट वाली करंट जो स्विचिंग के टाइम पे होती है। तो ये किसका डिसएडवांटेज है कि भाई उससे भी ये अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, एक चीज जो मैंने आपको बताया था कि इसका जो रिस्पॉन्स है ना उतना फास्ट नहीं है एज कंपेयर टू स्टैटिक रिले। आजकल जो हम लोग यूज करते हैं ना स्टैटिक रिले, उसके कंपेरिजन में, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स हैं और मूविंग पार्ट्स होने की वजह से ये इतना फास्ट नहीं है, इतना अच्छा फास्ट रिस्पॉन्स नहीं है जितना कि हमारे स्टैटिक रिले का यूज है, जो कि आज हम लोग यूज करते हैं। तो लिखना आप लोग यहां पे, द रिस्पॉन्स इज वेरी, लिखो द रिस्पॉन्स इज स्लो। एज कंपेयर टू स्टैटिक रिले, स्टैटिक मतलब रुका हुआ रिले। अब जो रुका हुआ रिले होगा उसमें कोई मूविंग पार्ट होगा नहीं, उसके कंपेरिजन इसका लो रिस्पॉन्स स्लो होगा ही ना। समझ में आई बात। तो अब हम इसके थोड़ा सा एप्लीकेशन देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसके एप्लीकेशन है। बस 2 मिनट और टाइम लगेगा हमारी क्लास को खत्म करने में। ठीक है, 2 मिनट में हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से एप्लीकेशन है वो देख लेते हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट है वो आप ये समझिए कि हमारा जो एसी और डीसी इक्विपमेंट है उसमें हम लोग प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि तो दोनों यूज होता है। तो क्या बोला मैंने यहाँ पे, प्रोटेक्शन ऑफ एसी एंड डीसी इक्विपमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ एसी एंड डीसी इक्विपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आप ये समझना कि हमारे पास ओवर करंट होता है, ओवर करंट एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है ना इन पावर सिस्टम, उसको भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। क्या बोला मैंने, ओवर करंट एंड वोल्टेज फॉर ओवर करेंट एंड वोल्टेज प्रोटेक्शन फॉर एसी एंड डीसी बोथ, फॉर एसी एंड डीसी बोथ। ठीक है, साथ ही आप हम लोग इसको यूज कर सकते हैं किसकी तरह, हम इसको यूज करते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको आज तो नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन क्या होता है वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम इसका बैकअप प्रोटेक्शन भी यूज कर सकते हैं। क्या बोला मैंने यहाँ पे, जो हमारे बैकअप होते हैं ना उनमें
जो रिली यूज करेंगे उसका हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आज के क्लास के बारे में, आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ चीजें याद हो गई होंगी, बस एक बार आप इसको रिवाइज करिएगा और आपका पूरा समझ में आ जाएगा। सर वो पिकअप करंट क्यों वेरी कर रहा है एसी एंड डीसी के लिए? क्योंकि एसी के केस में रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है और डीसी केस में रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होता है। उसके बहुत सारे इफेक्ट हैं, आप चाहो स्किन इफेक्ट मान लो, अभी के लिए आप स्किन इफेक्ट ही मान लो। डीसी में करंट अच्छे से फ्लो होती है, पूरे वायर में से फ्लो होती है, लेकिन एसी में सिर्फ सरफेस पे करंट फ्लो होती है और अंदर नहीं जाती है ना, तो करंट तो कम हो जाएगा ना एसी के लिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड डे।